नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर। आज हम करने वाले स्टैंडर्ड के अंदर कुछ काम। यहाँ पर मेरे पास एक स्टैंडर्ड है, इसका हो रखा है किक जाम, या कह सकते हैं इंजन जाम। आई तो इसी उद्देश्य है कि इसका इंजन जाम हो गया है, तो पहले एक बार देखते हैं कि इसमें किक ही नहीं पड़ रही है। देखिए बंदा खड़ा हो जा रहा है, फिर भी नहीं पड़ रही है। तो ऐसे में क्या हुआ होगा और कहाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, आज हम देखेंगे कि इसका सलूशन क्या है और हम कहां से इसको देखते हैं कि कहां से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले इस गाड़ी का एक बार खोलेंगे क्लच, और उसके बाद भी देखते हैं कि कहां प्रॉब्लम है, इंजन के अंदर है या क्लच में है या गियर बॉक्स के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले खोल लेते हैं क्लच। तो हमें क्लच कवर खोलने के लिए सबसे पहले फुटरेस्ट खोलना होता है, और इसके बाद इसका मेन नट होता है बीच में क्लच कवर, ये वाला नट। ऑयल निकलेगा नीचे को, तो उसके लिए एक डब्बा नीचे लगा लें, पता नहीं निकलता है नहीं निकलता, इसमें है इंजन ऑयल तो है। तो इसके अंदर तो ऐसा लग नहीं रहा कुछ। एक काम करना, एक बार इसको यहाँ से घुमा के देखिए, 27 की चाबी लेके, 26-27 कि मैग्नेट हमारा घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। मैग्नेट इंसेंस ये, और मुझे तो लग रहा है इसके अल्टरनेटर की भी वायर लग रखी है। नहीं घूम रहा है ना, और ऊपर को घुमा, मतलब बैक साइड को है ना, इसके अंदर तो कुछ नहीं है ना। एक काम करते हैं, एक बार इसको खोल लो, 11 की चीज़ें इसको खोल दो, क्या पता इसके अंदर कुछ टूट के फंसा हो ना। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये वाला चीज, ये चीज़ क्या है, ये पटक गया है, ये जो चीज़ है ये क्या है। एक प्लास से इसको खींचना, अरे मेरे को लग रहा है इसका इसका जो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट के ऊपर से प्लेट निकल गई है। ये जो चीज़ है ये वही लग रहा है मेरे को, निकालो इसे। द गुड मॉर्निंग, हाँ एक बार सबसे पहले इसका अल्टरनेटर खोलते हैं बाहर। अब ऐसे में क्या होता है, इंजन सबसे पहले हेड ब्लॉक खोलता है, पिस्टन खोलता, कहता है कि वहाँ पर दिक्कत है। अब इसे गोट ग्रिप कह दो, देखो अपना हाथ सीधे वहीं जाता है जहाँ पर प्रॉब्लम है। और मेरे ख्याल से थोड़ा निकालने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि कोई चीज़ यहाँ पे फंस हुई है। ये जो चीज़ इसको बाहर निकालते हैं, करो कोशिश करो एक बार पेच के लेके, हाँ निकालो, हाँ एक बार इसको उठा के दिखाओ है क्या चीज़। ये मैग्नेट टूट गया, मैग्नेट की जो पत्ते होते हैं जो ऊपर से यहाँ पे वेट लगता है, ये वो निकल गया है। एक बार इसको थोड़ा सा घुमाओगे, एक बार भैया किक मारना, किक मार के देखते हैं कि आप किक पड़ ली है। यस बिल्कुल आसानी से पड़ ली है, और देखिए जो चीज़ टूट रखी है वो यहाँ का वेट है इस जगह पे। किधर के वो, ये रहा, और वो लगता है इस जगह पे कुछ, ये मैग्नेट है तो थोड़ा हार्ड हो रखा है, छूट गया, बस यहाँ पे लगता है। तो सबसे सिंपल है इसका कि पहले चीज़ को समझो कि प्रॉब्लम है कहाँ से। ज़रूरी नहीं है कि सीधे इंजन ही खोल दो, इंजन जाम हो गया। कुछ लोग करते हैं ऐसा कि छोटी सी प्रॉब्लम है, देखिए एक पत्ती इसकी यहाँ से निकल गई है, 1000 रुपये का होगा ज़्यादा मैग्नेट मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है जहाँ तक का, 1000 रुपये का भी नहीं, 1200 रुपये का टोटल कंप्लीट है, अल्टरनेटर के साथ ये दोनों चीज़ें 1200-1300 रुपये के आसपास हैं। तो ये कितने का, 500-600 रुपये का होगा। पर इसके लिए अगर गेयर बॉक्स खोलना पड़ता, हेड ब्लॉक खोलना पड़ता, टाइम वेस्ट होता बहुत ज़्यादा, और देखो लास्ट में प्रॉब्लम तो पता चलनी थी कहाँ से है।
और आपके सामने है अभी, तो एक बार मैग्नेट पूरा बाहर निकाल लेते हैं। और छोटी सी प्रॉब्लम थी आपके सामने, देखिए। तो आपने देखा कि एक छोटी सी प्रॉब्लम थी और इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता था। तो अभी फ़िलहाल ये अभी अवेलेबल है नहीं हमारे पास में, जैसे ही हमारे पास में आता है तो अगले वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे इसको हमने डाला और ये कितने का पड़ा, कितना इसका चार्ज था। उससे भी पहले मेरे पास एक गाड़ी आई थी, उसके अंदर क्लच प्लेटें की, जो क्लच प्लेटें होती हैं उसकी प्रॉब्लम थी, और भाई कह रहा है कि गाड़ी मतलब रेस नहीं पकड़ ली। तो उसके में हमने दिखाया कि आखिर क्लच प्लेटों की प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन क्या है। तो वो चीज़ हाल ही में मेरे पास एक कमेंट आया था एक भाई का, कि वो उस बंदे का कहना था कि यार मेरे पे मतलब क्लासिक है, शायद मेरे को याद नहीं है जहाँ तक ये क्लासिक थी। भाई कह रहे कि उसकी क्लच प्लेटें ख़राब हो गई हैं या नहीं हुई हैं, ये मुझे कैसे पता चलेगा। सबसे पहले गाड़ी के पिकअप में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, खोलने के बाद क्या था, जो हमारी नई गाड़ी है क्लासिक, उसकी प्लेटें ख़त्म भी हो जाएंगी तो गाड़ी किक स्लिप नहीं मारती। जब पर जो इस टाइप के मॉडल होते हैं या जो पुराना ओल्ड मॉडल है उसके अंदर अगर क्लच प्लेटें ख़राब होती हैं तो किक स्लिप मारना चालू हो जाती है, पर नई गाड़ी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके लिए क्या करेंगे कि आपको एक चेक करना है 20,000 किलोमीटर के अंदर, मेरे ख्याल से एक बार चेक करा लेना चाहिए खोल के कि प्लेटें ख़राब हैं या नहीं है। वो मैनुअली चेक होती हैं, खोलने के बाद प्लेट की क्वालिटी देखी जाती है कि उसकी क्वालिटी किस तरीके की है, वो घिस गई हैं या जल गई हैं, तभी जाके वो चेंज करी जाती है। दूसरा चला के बस बहुत ही रियर केस होता है, समझने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा, उसके लिए एक्सपीरियंस होल्डर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरे एक लास्ट वीडियो था, वो शायद आपने अगर देखा नहीं हो तो यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक मिलेगा, तो वहाँ जाइए और देखिए उस वीडियो को कि क्या वो वीडियो आपके काम की है या नहीं है। और फिलहाल अभी हम जो काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं एक चेचिस के ऊपर, एक गाड़ी का हमने यहाँ पर चेचिस चेंज करना है। हमारे पास एक गाड़ी है क्लासिक, इसका चेचिस ख़राब हो गया है और वो ख़राब हुआ है इस जगह से, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ से आप देखेंगे तो ये टूट गया है इस जगह से, इधर से भी टूट गया है और यहाँ से भी टूट गया है। तो अभी हम उसको चेंज कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको उसका वीडियो देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।